सो फ्रेंड्स, हो गया नेक्स्ट डे और अभी बज रहे हैं सुबह के 11:30। रामायण समापन हो चुका है। मैं सुबह से व्लॉग नहीं शुरू की थी क्योंकि ऐसे थका थका सा फेस लग रहा था। अरे ऐसना मनोहर मंगले तो गिरता ही मूरत सुंदर सूरत अनुभो क्या कहना है? ऐसे कहती है माता जी तो बच्चा समझता है। अरे हमरा जनाता बबुआ जियम हुई
किसे चाची जी कहती हैं, अरे नाना ललना डीएम होई है हो। तब से पीछे से दादी जी कहती हैं, ललना ललना जो पढ़े लिखे लोग हैं वो क्या कहते हैं, अरे वही है वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी के, अरे मेयर लंदन सिटी के हो, अरे वही है वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी के, मेयर लंदन सिटी के हो। महाराज हुई है राजा दी, राज हुई हरी बबुआ हमारी महाराज हुई है राजा दी, राज हुई है हो। हीरा राज हुई है सिलवा के ताज हुई है, पैदा होला तो सोहर गीत तो होता और नुकरे साथ खिलौना गीत इकट्ठी बोला। तो मैं आपको खिलौना गीत सुनाऊंगा, खिलौना गीत दो लाइन उसमें तो कैसे कहना है, बच्चा रो रहा है, अरे काहे बदे रोवेला ललने वासवेरे जुने मंगाई दे बिना हो। अभी रो रहा था बच्चा, नहीं काहे बदे रोवेला, नहीं नहीं नाचो 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 से
अब ये हो रहा है सोहर हो चुका, तो सोहर पे छोटा बच्चा डांस करेगा। सच बता रही हूँ, मेरे को ये इतने पूरे अखंड रामायण की टीम ने सबसे बहुत अच्छी थी, सब लोगों ने बहुत अच्छे से अखंड रामायण किया, बट सबसे अच्छा मुझे ये बच्चा लगा, क्योंकि ये इतना छोटा होके सिर्फ 7th स्टैंडर्ड में 14 ईयर का, सोचो मुझे ये हो रहा था ना कि इतना छोटा और इतना मस्त अखंड रामायण बोला ना हर एक धुन पे, मतलब कि फिल्मी गाना हुआ या जो भी, इतना मस्त बोला ना, इसको देख के इतना अच्छा लग रहा था। सच में आज के यूथ को ना ये बच्चों पे होना ही चाहिए कि हमारा जो है ना सनातन धर्म वो आना चाहिए, क्योंकि इतना इन्जॉय करके ये गा रहा था ना, स्पेशली तो इसकी स्पेशलिटी ये थी ना, इतना इन्जॉय करके उस खुश होके गा रहा था ना, अखंड रामायण बोल रहा था ना, वो ज़्यादा अच्छा लग रहा था। लास्ट में बच्चे को सब लोग ने बहुत मोटिवेट किया कि नहीं करो करो, तो बहुत अच्छा सा डांस किया इसने। तो आप लोग भी वीडियो पर बने रहना, प्लीज़ वीडियो स्किप मत करना। मैं ये चीज़ें ना इसलिए दिखा रही हूँ कि शर्माना कोई बड़ी बात नहीं है, शर्माना तो बिल्कुल नहीं चाहिए सच में। इसको देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि सच में आजकल के बच्चे इतना शर्माते हैं, लेकिन ये एकदम इन्जॉयमेंट के साथ ये सारी चीज़ें कर रहा था, इसलिए मैंने इसका वीडियो पूरा लिया है। बिल्कुल भी स्किप मत करना, बहुत सुंदर डांस किया है इसने। चलो चलो वीडियो पे बने रहना। Yeah.
सो अच्छे से अखंड रामायण और भजन सोहर सब अच्छे से समाप्त तो हो गया है। अब हो रहा है रुद्राभिषेक, क्योंकि मीना का ये था कि घर में शिफ्ट होएगी तो रुद्राभिषेक भी करवाएगी, तो बस रुद्राभिषेक स्टार्ट हो गया है। तो मीना के सास ससुर मतलब मम्मी पापा रुद्राभिषेक स्टार्ट करेंगे, फिर मीना, मीना की देवरानी, देवर, सारे लोग एक साथ करेंगे। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो। प्लीज़ 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 पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और बस बेल आइकॉन दबाना मत भूलना, ताकि आप लोगों को आगे भी अच्छे अच्छे वीडियोस व्लॉग्स देखने के मिलेंगे। सो बस चलिए वीडियो आगे स्टार्ट, एंजॉय करिए। तो आज नेक्स्ट डे हो गया, रुद्राभिषेक अभी शुरू हुआ है, अभी बज रहे हैं 3:15। अरे चला जाएगा। सो अभी मैं चल रही हूँ देखने खाना वाना का कैसा है क्या है, तो एक राउंड मार के आती हूँ, और आई होप आप लोग वीडियो एंजॉय करोगे। देखो मेरे शक्ल कैसा दिख रहा है, आवाज़ वोट भाई साहब अजीब है। तो चलो देखते क्या कैसा है, वीडियो बने रहना, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बाय। अरे चाबी पापा घर पे आ गए। Yeah.
अर्षित के बर्थडे का केक, क्योंकि आज है मीना के बेटे का बर्थडे अर्षित का, तो बस यहाँ पे केक स्टार्ट होने के कटिंग स्टार्ट हो रही है, तो उससे पहले आरती होगी। तो पांच लेडीज कोई भी आरती करेगी, तो उनकी बुआ, दादी, चाची, ये लोग सब लोग आरती कर रहे हैं। और आरती के बाद केक कटिंग होगा, केक कटिंग बाद ऊपर खाना स्टार्ट होगा। सो ये लोग भी फटाफट से करके निकलेंगे, क्योंकि इनकी है रात की फ़्लाइट, तो इस वजह से ये लोग को जल्दी जल्दी से करके जाना है, बुआ दोनों बुआ को आरती के लिए, मतलब फ़्लाइट के लिए। और बस वीडियो में बने रहा, वीडियो को आगे लेके चलते हैं अपने। केक का फोटो ली देखा। अरे बीच में क्या खड़ी हो रही है, वीडियो ले रही हूँ ना। सो ये आश्रित के हैं दादी दादा, मतलब मीना के सास ससुर मम्मी पापा। दे रख दे अंदर, पकड़ो। अब चॉकलेट पाई या नहीं जाएगी? अब जो मन अरे बिजी है। तो ये है खाना, मैं आ गई थी खाना खाने, तो आधा खाना खा ली, तो याद आया वीडियो लेना, तो वीडियो ले ली मैंने। थोड़ी चीज़ें ली थी, ज़्यादा नहीं ली थी, मन ही नहीं हो रहा था पता नहीं क्यों। और ऊपर टेरेस पे आ गए हम लोग, फोटो शूट कराया थोड़ा खुशी खुशी के साथ इनके साथ, तो यही सब फ़ोटो वोटो थी। मैंने सोचा चलो आपके साथ मैं शेयर कर देती हूँ, तो कैसी दिख रही बताना ज़रूर। तो ये बहुत कम फ़ोटो निकालते हैं।